चलें ये क्वेश्चन रीड करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द मून थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कहाँ फेंका उसने स्टोन ऊपर और वो खड़ा कहाँ है? एस्ट्रोनॉट कहाँ पर है? मून। ऑन द सर्फेस ऑफ द मून द स्टोन लीव्स हिज हैंड एट टाइम जीरो। मुझे ग्राफ में देख के बताएं टाइम जीरो पे इसकी स्पीड कितनी है स्टोन की। 4.8 मीटर 4.8 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड है एट टाइम जीरो, जिसका मतलब है जिस वक्त स्टोन उसने फेंका है ऊपर उसकी स्पीड है 4.8 स्टोन की। मुझे बताएं टाइम 2 सेकंड पर ग्राफ में देखकर बताएं कि कितनी स्पीड है स्टोन की। टाइम 2 सेकंड्स 1.8 1.6 है, 10.6 1.6 है, सही है ना? ओके। तो मुझे बताएं स्टोन जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है कम हो रही है, सर, कम कम हो हो रही है, रही है डिसेलरेट कम हो रही है, वेरी गुड। तो मुझे बताएं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है? डिसेलरेट, डिसेलरेट ठीक है। अच्छा इसकी ये जो लाइन बनी है ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? कांस्टेंट होगा जी सर, कांस्टेंट होगा, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। जो जो बातें हम कर रहे हैं वो आप साथ साथ पेंसिल से कहीं साइड में लिख भी सकते हैं कि स्टोन इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हिच मींस द स्टोन इज डीसेलरेटिंग एंड डीसेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अब मुझे एक बात बताएं कि इस ग्राफ को तो उन्होंने 2 सेकेंड्स तक कंप्लीट किया हुआ है ना, क्या आप 2 के आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? यहाँ क्या लिखा हुआ है? जी कंप्लीट सर, आई थिंक कर सकते हैं। फिगर 1.1 अंटिल यस सर, कर सकते हैं। 6 सेकेंड्स, 2 सेकेंड तक का ग्राफ उन्होंने आपको बनाकर दे दिया है, क्या आप इसको 6 सेकेंड्स तक बता सकते हैं कि स्टोन के साथ जी क्या सर, होगा? बता अब सकते हैं, मुझे मैं भाई एक कर बात सकता बताएं हूँ। कि 2 सेकेंड तक क्या हुआ, जैसे ही उसने उस ऑब्जेक्ट उस स्टोन को रिलीज किया तो वो स्टोन जा रहा है ऊपर की तरफ, जैसे ही स्टोन ने हाथ को लीव किया था तो उस वक्त उसकी स्पीड थी 4.8, सही है? और जैसे जैसे हाइट गेन कर रहा है स्टोन उसकी स्पीड कम होती जा रही है। और आप ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर आप अपना पेन हवा में उछालें तो जैसे ही वो पेन हाइट गेन करता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंचेगा पेन आपका तो वहां पर वो रुक जाएगा पेन, और फिर किस तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। पहले कहाँ जा रहा था? ऊपर, और फिर ऊपर नीचे वापस वापस आपकी तरफ मूव करेगा। तो मुझे बताएं अगर आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव वेलोसिटी कह रहे हैं तो आप डाउनवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी नेगेटिव रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवाने के लिए उस वक्त उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहे हैं अपने ग्राफ में तो डाउनवर्ड मोशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? नेगेटिव होगा या नहीं? दूसरी बात मुझे बताएं कि क्या मून पर एयर रेजिस्टेंस होती है या नहीं होती? नहीं सर, तो क्या इसकी लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए या कर्व बननी चाहिए? स्ट्रेट तो आप इस लाइन को स्ट्रेट कंटिन्यू कर दें 6 सेकंड्स तक, सही है? इस लाइन को आप स्ट्रेट कंटिन्यू कर लें 6 सेकंड तक, क्योंकि मून पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो मून पर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की कॉन्स्टेंट ही रहेगी। और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में डायनामिक्स में, और मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी और मैंने कहा था अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद आ रहा है आप लोगों को? विद एयर रेजिस्टेंस जी सर। और विदाउट एयर रेजिस्टेंस दो ग्राफ बनवाए थे। विद एयर रेजिस्टेंस जो ग्राफ था उसका ग्रेडियंट डिक्रीज करता जा रहा, विदाउट एयर रेजिस्टेंस जो ग्राफ था उसका ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट था। जी सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टेट स्टेट जी द सर, वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्टोन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है? रुका हुआ है या चल रहा है? सबसे ऊपर सबसे ऊपर जब रुका उन्होंने होगा, फेंका था ना सर, उस वक्त वो रुका रुका होगा तो होगा, उसकी थोड़ी सी स्पीड डिले। नहीं होगी। तो ग्राफ में मुझे देख के बताएं जीरो स्पीड कब है, टाइम बताएं। जी, वेरी गुड, तो आंसर विल बी 3 सेकेंड्स। अच्छा दूसरा ये कि नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में जो हमने बात की वो आप लिख सकते हैं। जी कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने बात की अभी कि नेगेटिव वेलोसिटी हम कह रहे हैं मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन को। अगर हम पॉजिटिव के लिए बात कर रहे थे अपवर्ड मोशन तो नेगेटिव के लिए बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन। स्टोन ने ऊपर भी मूव किया है फिर स्टोन वापस भी आया है, तो क्योंकि
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है, पहले अपवर्ड जा रहा था फिर डाउनवर्ड आ रहा था, तो अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव से शो कर रहे हैं तो आप डाउनवर्ड को नेगेटिव वेलोसिटी से शो करेंगे। एस्ट्रोनॉट ने स्टोन थ्रो कब किया था? 0 seconds पर। और मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा स्टोन? 3 seconds। और स्टोन वापस उसने कैच कब किया? 6 seconds। स्टोन ने ऊपर जाने में कितना टाइम लिया? 3 seconds। स्टोन ने नीचे आते हुए कितना टाइम लिया? वही सेम 3 seconds। वेरी गुड। और स्टोन ने मुझे बताएं ऊपर जाते हुए अगर डिस्टेंस कवर किया है 5 meters तो नीचे आते हुए कितना डिस्टेंस कवर? नीचे भी सर 5 meters। जितना एरिया यहाँ पर है ना उतना ही एरिया यहाँ पर है, विच मीन्स जितना अपवर्ड डिस्टेंस है उतना ही डाउनवर्ड डिस्टेंस है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना वो एरिया होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होती है, जितनी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली उसने अब मूव करते हुए मूव किए है उतने ही वर्टिकली डाउन मूव करते हुए उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। कोई मुझे बताएगा एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है सर, इनिशियल माइनस फाइनल। ग्रेडियंट लेते हैं, इनिशियल फाइनल नहीं, जब भी ग्राफ दिया होगा ग्रेडियंट लेंगे। रिपीट करें, ग्रेडियंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच मींस हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं। टाइम जीरो पर मुझे बताएं कि स्पीड कितनी है? 4.8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया पहला? 0 0 4.8। टाइम 2 पर मुझे बताएं, 2 पर टाइम 2 पर 1.6। तो मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए है ना, एक 0 4.8 और एक 2 1.6। तो अब आप दो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ग्रेडियंट निकाल लें, 0, 4.8 और इसी तरह से अगर मैं 3, 0 भी ले लूं तो एक ही बात है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है ना, आप कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप 2, 1.6 यूज़ करें चाहे आप 3, 0 यूज़ करें, आंसर आपका सबका सेम आएगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3, आंसर इज माइनस 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, चाहे आप कोऑर्डिनेट जो दे रहे हैं आंसर यही आएगा। जी सर यही आ रहा है कि लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, कोई भी दो पॉइंट्स आप यूज कर लें आपका आंसर सेम आएगा। पार्ट सी, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स ऑन अर्थ। पहले किस कहां थ्रो किया था हमने? पहले जो केस था ऊपर की तरफ, वो मून था, मून पे। अच्छा मून पे खड़े थे, एक तो अभी भी ऊपर ही रहे हैं लेकिन अब हम कहाँ हैं? अब हम अर्थ पे हैं, अर्थ पर थ्रो कर रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बट विच मींस इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 8। वो कह रहे हैं सेम स्टोन को जिसको आपने पहले मून पर थ्रो किया था अब आप उसको अर्थ पर थ्रो कर रहे हैं सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ। स्टेट टू वेज इन विच The velocity time graph for the stone differs from figure 1.1. Sir, वो curve होगा। सर, तो curve तो different होगा क्योंकि ये resistance है। Very good. Line straight बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी सर। Reason? Air resistance है यार। पर एक बात हो गई। दूसरी बात बताएं। अब मुझे बताएं moon पर इसका gradient आया 1.6। Earth पर इसका gradient पता है कितना आएगा? आप लोगों को याद होगा चैप्टर मास वेट एंड डेंसिटी, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की होती है 10 और मून की होती है 1.6। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 न्यूटन पर केजी, इसीलिए मून पर जो ग्रेडियंट 1.6 आया है वो ग्रेडियंट अर्थ पर कितना आएगा? ज्यादा है। तो ये लाइन ज्यादा ही लग रहा है, ज्यादा है तो ये लाइन कैसी होगी? स्टीप होगी या नहीं होगी? ग्रेडियंट ज्यादा तो लाइन स्टीप बनती है, पता है आप लोगों को? जी सर। ग्राफ में जो लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होती है उसका ग्रेडियंट उतना ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो आप मुझे बताएं कि दो बातें क्या होंगी, क्या चेंजेस होंगे दो? एक तो ये कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व होगा, ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट नहीं होगा। दूसरी बात यह कि इसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, लाइन विल बी स्टीप, या फिर आप ये कह सकते हैं स्टोन विल स्लो डाउन मच क्विकली ऑन अर्थ बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है पता है? वो है 10 न्यूटन पर केजी और मून की है 1.6 न्यूटन पर केजी। ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, अर्थ या मून? अर्थ। तो फिर जब आप एक ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द अर्थ फेंकेंगे, अवे फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू मून, तो स्लो डाउन जल्दी कौन करेगा ऑब्जेक्ट को, अर्थ या मून? अर्थ।
तो यही तो लिखा है हमने यहाँ पर, और इसी को कह रहे हैं स्टीप लाइन बनेगी। स्टीप लाइन का मतलब पता है उमुल बनीन, ये लाइन बनेगी ऐसी। इन दोनों लाइंस में से कौन सी स्टीप है, जो मैंने अभी बनाई है जो पहले बनाई थी? सर जो अभी बनाई है द ब्लू वन। तो मुझे बताओ उसमें टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 9.1 शोज अ स्काई डाइवर फॉलिंग वर्टिकली। द स्काई डाइवर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम जीरो। मुझे जल्दी से बताएं टाइम जीरो पर इसकी स्पीड कितनी है? जीरो, सही है। तो आप लिख लें 0.0, यहाँ पर लिख लें 0.0, ठीक है, लिख लिया साइड में आपने, क्योंकि आपको पता चल गया कि टाइम जीरो पर इसकी स्पीड जीरो है। साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डाटा बनाते जाएंगे ताकि बाद में आसानी हो। हिज एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म अंटिल इट रीचेज अ स्टेडी स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड। मुझे जल्दी से बताएं टाइम 10 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी है? 50। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10.50। वेरी गुड, जल्दी से लिख लें 10.50। ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, पहला कोऑर्डिनेट क्या था? 0.00। अब हो गया 10.50। तीसरे पॉइंट पढ़ते हैं, ही ओपन्स हिज पैराशूट एट 20 सेकंड्स। कब पैराशूट ओपन किया उसने? 20। मुझे बताएं 20 पर इसकी स्पीड कितनी है? 50 ही है। ये जरा बात गौर से पढ़ें, जिसको नहीं समझ आ रहा वो पूछ लें। यहाँ पर देखें, दोबारा सुने, यहाँ लिखा हुआ है ही रीचेज अ स्टेडी स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड। तो उसका मतलब है 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या है? स्टेडी है। स्टेडी मीन्स कॉन्स्टेंट है। तो 20 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी होगी? पहले 50 थी, 50 ही रहेगी। 100 कहां से हो गई, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, पागल हो गए? जल्दी से मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स बताएं, तीन कोऑर्डिनेट्स, जल्दी जल्दी। 0.0, फिर 10.50, फिर 20.50, फिर लिखा हुआ है एंड डीसेलेरेट्स अंटिल 25 सेकंड्स। मुझे बताएं 25 सेकंड्स पे इसकी स्पीड क्या होगी? हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 50 नहीं होगी, 50 से कम होगी, 50 से कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी, कितनी होगी ये हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया है कि वो डीसेलेरेट हुआ है, विच मींस उसने अपनी स्पीड को कम किया। फ्रॉम 25 सेकंड्स ही फॉल्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मुझे बताएं 25 पे इसकी स्पीड कितनी है? 5 है। अब मुझे जल्दी से बताएं हमें इस पूरे डाटा से कितने कोऑर्डिनेट्स मिले हैं और वो क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी। 0.0, 10.50, 20.50 और फिर 25.5। वेरी गुड, ये चार कोऑर्डिनेट्स सबने लिख लिए हैं, और अगर ये चार कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाए ना, तो ये चार कोऑर्डिनेट्स चार बातें बता रहे हैं। मतलब टाइम जीरो पे इसकी स्पीड जीरो थी, 10 सेकंड में इसने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली, और वो 20 सेकंड्स तक 50 ही रही, और फिर उसने डीसेलेरेट किया और 25 सेकंड्स के बाद उसकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। ये बात समझ आ रही है सबको? अब ये चार कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पे आप प्लॉट कर लें, जरा जल्दी जल्दी चार कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं ग्राफ में। देखें चार डॉट्स लगेंगे, मैंने लगा दिए हैं, आके आप लोगों ने भी लगाए या नहीं? अब मसला पता है क्या है, अब ये चार डॉट्स तो आपने लगा दिए, अब इन डॉट्स को कनेक्ट भी करना है, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है मिस्टर जवाद रजा? डिस्टेंस। ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन। सही है। अगर लाइन स्ट्रेट बना दी तो क्या पता चलेगा? अगर लाइन स्ट्रेट बना दी तो क्या मतलब है इस बात का? ग्रेडियंट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर लाइन ऐसी बना दें तो ग्रेडियंट डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। अगर लाइन ऐसी बना दें तो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। आप मुझे बताएं, आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, या इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। आप बताएं आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन क्यों? स्ट्रेट लाइन सर, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। वेरी गुड, ये लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब है आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते।
अब आपके पास दो ऑप्शंस रह गए हैं, या तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट या इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। एयर रेजिस्टेंस है या नहीं है? एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है तो रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाती है, और रिजल्टेंट फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन कम होती है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद लाइन कैसी बननी चाहिए? लिखा हुआ है स्टेडी स्पीड। स्टेडी स्पीड मतलब जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब जीरो ग्रेडियंट, और जीरो ग्रेडियंट का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टेडी स्पीड। अब मुझे बताएं डीसेलरेट्स लिखा हुआ है, डीसेलरेट्स। हाँ, अब डीसेलरेट्स के लिए लाइन कैसी बनेगी, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बनेगा, तो मैंने डिक्रीजिंग बनाई हुई है लाइन। फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से स्टेडी स्पीड लिखा हुआ है, तो फिर आप स्ट्रेट लाइन बना देंगे, कॉन्स्टेंट स्पीड। देखो बेटा, ये जो जवाब आप सवाल कर रहे हो ना, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन बना दूँ, सही है जी, तो मतलब तो उसका भी यही है कि स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख लें जीरो पे स्पीड जीरो है, लेकिन सर कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है ना लेकिन। हाँ, अब तुम जो बात कर रहे हो ना, वो एक्सेलरेशन को कहते हैं Uniformly increasing। ये आप स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे, अब आप ये एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आई बात? जी सर। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग की टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ये आप एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर तो स्पीड के बारे में बात ही नहीं। स्पीड की जगह एक्सेलरेशन यूज करेंगे वर्ड। यस, क्योंकि बेटा आप ग्रेडियंट के बारे में बात करने लगे, और ग्रेडियंट इसका जो है वो एक्सेलरेशन होती है। जब आप कह रहे हैं ना यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, तो आप बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। यहां तो हमने कर लिया, पार्ट टू देखें। पार्ट टू स्टेट सर ग्रेडियंट फोर है, डिक्रीज। ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। वो कह रहा है आपको कैसे पता चल रहा है इस ग्राफ को देख के कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट, लाइन इज नॉट स्ट्रेट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये बहुत अच्छा मजे का क्वेश्चन है, पार्ट बी, और ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको एक्चुअली समझ आएगा कि फ्री फॉल टर्मिनल वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जरा गौर से सुनेंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई आफ्टर द स्काई डाइवर ओपन्स हिज पैराशूट He decelerates and eventually reaches a steady speed. चलें इसको डिस्कस करते हैं। Yes, जवाद रजा। पहले ये सवाल कह रहा है कि जो स्काई डाइवर था उसने पैराशूट ट्रेन करें, वो डिसेलरेट होके एक ऐसी पॉइंट पे कैसे पहुंचा जब उसकी वो स्टडी हो गई स्पीड। वेरी गुड, चलें इसको डिस्कशन करते हैं। मुझे बताओ जवाद रजा, जैसे ही पैराशूट ओपन होगा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, और वो स्टेडी स्पीड उसका क्या जब एयर रेजिस्टेंस और वो इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। जैसे ही पैराशूट ओपन होगा, अपवर्ड फोर्स व्हिच इज एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड विल बी ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स व्हिच इज वेट। अब मुझे बताएं कौन सी फोर्स ज्यादा है, एयर रेजिस्टेंस या वेट? सर जब पैराशूट ओपन करे तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगी, तो नहीं नहीं आहिस्ता नहीं, फौरन से बढ़ जाएगी। पैराशूट ओपन हो गया, पैराशूट आहिस्ता-आहिस्ता करके ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, एकदम से खुल गया जी, पैराशूट ओपन कर दिया उसने। अब मुझे बताएं पैराशूट ओपन ओपन करने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर ऑब्वियसली। अब मुझे बताएं एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है या वेट ज्यादा है? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा हो गई, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड ज्यादा। अपवर्ड ज्यादा, अपवर्ड। एयर रेजिस्टेंस की अपवर्ड होगी ना, एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग अपवर्ड्स, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। पैराशूट ओपन होने से अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स। अब मुझे बताएं कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड हैं? फिलहाल तो अनबैलेंस है, जब स्टेडी होगा तो बैलेंस हो जाएंगे दोनों। अभी तुम आगे की बात क्यों करने पहुंच जाते हो, पहले यहीं की बात बताओ। फोर्सेस बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। कौन सी फोर्स ज्यादा, ऊपर वाली ना? ऊपर वाली। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर या नीचे? ऊपर ही होगी मेरे ख्याल से। ऊपर होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट डिसेलरेट होगा, क्योंकि फोर्स और मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, फोर्स लग रही है ऊपर, इसलिए ये ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कराएगी फोर्स। स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम। स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है कम होती है? कम होती है शायद। कम होती है, तो स्पीड कम होकर वापस दोबारा से वेट के बराबर होगी या नहीं होगी? हो जाएगी बराबर। और फिर उस वक्त फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी या अनबैलेंस्ड होंगी? बैलेंस्ड। उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी नॉन जीरो होगी? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगी नॉन जीरो होगी?
जीरो। ऑब्जेक्ट स्टेडी स्पीड से मूव करेगा नहीं करेगा? करेगा। उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। इस पॉइंट को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे जो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब इस वक्त इस केस में ना दो टर्मिनल वेलोसिटीज आपको पता है, एक ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी है विदाउट पैराशूट और एक ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी है विद पैराशूट। विदाउट पैराशूट टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, विद पैराशूट टर्मिनल वेलोसिटी कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे ही पैराशूट ओपन होगा ऊपर वाली फोर्स बढ़ जाएगी नीचे वाली फोर्स से, सही है? फिर ऑब्जेक्ट को वो स्लो डाउन कराएगी और फिर स्लो डाउन कराने से एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, तो फाइनली एयर रेजिस्टेंस जब वेट के दोबारा बराबर होगी ना तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से कम। स्टेडी स्पीड का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब? एक्सेलरेशन जीरो, फोर्सेस बैलेंस या अनबैलेंस? फोर्सेस का क्या मतलब है? जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि फोर्सेस बैलेंस्ड, एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन जैसे ही पैराशूट ओपन होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वेट तो नहीं बढ़ेगा ना, तो कौन सी फोर्स इंक्रीज हो गई है? अपवर्ड फोर्स। फोर्सेस अब बैलेंस्ड होंगी या अनबैलेंस्ड होंगी? अनबैलेंस्ड। कौन सी फोर्स ज्यादा है? ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां होगी? ऊपर या नीचे? ऊपर। और ऑब्जेक्ट मूव कहां कर रहा है? नीचे। अगर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट हो तो स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होने से एयर रेजिस्टेंस कम होगी और वापस एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों वापस इक्वल हो जाएंगे दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी आएगी या नहीं आएगी? लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी पहले वाली टर्मिनल वेलोसिटी से कम होगी और यही रीजन है कि ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है और ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी कम है। तो उसको अब लिखेंगे यहाँ पार्ट सी, फॉर द टाइम बिटवीन 10 एंड 20 सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर द स्काई डाइवर। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं। 10 से लेकर 20 तक मुझे बताएं स्पीड कितनी है? 50 है। और 10 से 20 टाइम कितना हो गया? 10 हो गया। तो 15 into 10 लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो 10 इनटू 50 हो गया 500 मीटर्स। यूनिट के मास होते हैं नहीं लिखेंगे, मार्क डिडक्ट होगा। पार्ट डी, द मास ऑफ द स्काई डाइवर इज 60 kg। टाइम 20 में मुझे जल्दी से बताएं स्पीड कितनी है, जल्दी देख के बताएं टाइम 20 पे स्पीड। सर 20 और 25 पे 5 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 20.50 और 25.5। ग्रेडियंट निकालेंगे क्योंकि डीसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालनी है, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, वेरी गुड, y2 - y1 / x2 - x1। और आंसर क्योंकि आपका नेगेटिव में आएगा लेकिन आप आंसर में नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से ही डीसेलरेशन लिखा हुआ है। तो a is equal to v minus u upon t, v is 5 minus 50 divided by time taken है 5। आप देखें 20 से 25 तक 5 seconds का time interval है। आंसर आएगा negative 9 आंसर आएगा, लेकिन आप negative लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पहले से deceleration की term use हुई भी है, which means के answer negative में ही आना है। सही। Next question, एवरेज डिसेलरेशन आप लोग निकाल चुके हैं, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है? 60 × 9 540 newton। स्टेट हाउ योर ग्राफ इन फिगर 9.2 मे बी यूज टू ऑब्टेन द डिस्टेंस द स्काई डाइवर फॉल्स। पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे ग्राफ का पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे। कभी भी डिस्टेंस निकालना हो एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। अभी तक हमने जो एरिया निकाला था वो सिर्फ 10 से लेकर 20 तक निकाला था, तो पूरे का निकालना है। वो कह रहे हैं पूरा द डिस्टेंस द स्काई डाइवर फॉल्स, तो आपने पूरा डिस्टेंस निकालना है तो पूरा एरिया निकालेंगे आप ग्राफ का। वेरी गुड। जब भी डिस्टेंस निकालना होगा एरिया निकालेंगे, जब भी एक्सेलरेशन निकालनी होगी ग्रेडियंट निकालेंगे। नेक्स्ट, द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ साइक्लिस्ट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एज शोन इन फिगर 12.1।
the distance the cyclist travels during the reaction time of the cyclist, which is thinking distance. Yes. The distance the cyclist travels after the brakes are applied is the braking distance. So ye raha thinking distance aur ye raha braking distance aur total all kya hai? Overall stopping distance. State the energy change that occurs during braking. Acha abhi aapne energy wali to nahi padha lekin main aapko bata deta hu. Cycle move kar rahi hai. Moving object ke paas jo energy hoti hai wo hoti hai thinking kinetic energy. Ye aapne nahi padha abhi, koi masla nahi hai. Nahi sir, humne padha karna hai. अभी मतलब मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को. मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है काइनेटिक, ब्रेक अप्लाई करने पर हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. हीट इज आल्सो एनर्जी. तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्पीड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी फ्रिक्शन बिटवीन. वेरी गुड. थर्मल हीट को ही कहते हैं ब्रेक्स एंड थर्मल टायर. A ball rolls in front of a cyclist at time zero. क्या हुआ? साइक्लिस्ट साइकिलिंग कर रहा है तो आगे क्या हुआ? साइकिलिंग करते हुए इसने क्या देखा सामने? एक बॉल रोल करते हुए आ गई है. ठीक है, किस वक्त देखा उसने बॉल को? टाइम जीरो पे. और उसने ब्रेक्स कब अप्लाई किए? उसी वक्त जब क्रैश हो गया था. 0.4 पर. 0.4 पे ब्रेक अप्लाई किए. एकदम से रेस्ट पे कैसे आ जाएगा? अच्छा, इधर जब आया मुझे बताएं उसने बॉल कब देखी? ब्रेक अप्लाई कब? साइकिल रुकी कब है? 2.4. अब मुझे बताएं बॉल को देखकर ब्रेक अप्लाने तक अप्लाई करने तक उसने टाइम कितना लिया? 0.4 सेकंड. इसको क्या कहेंगे? रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम. डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस होता तो मीटर होता ना. हम तो बता रहे हैं अगर इसी वक्त में पूछूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया या क्या ट्रेवल किया तो आप बोलेंगे थिंकिंग डिस्टेंस. अभी तो हमने टाइम पूछा था तो आपने बोला ये रिएक्शन टाइम है क्योंकि इतना टाइम उसने लिया कि वो क्या करे. ब्रेक अप्लाई उसने फौरन नहीं किए, 0.4 सेकंड के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है यूजिंग फिगर 12.2 डिटरमिन द रिएक्शन टाइम ऑफ द साइक्लिस्ट. 0.4 सेकंड्स यूनिट लगाना जरूरी है. ठीक है, 0.4 सेकंड. पार्ट टू, यूजिंग फिगर 12.2 कैलकुलेट द थिंकिंग डिस्टेंस. थिंकिंग डिस्टेंस कहां तक का डिस्टेंस है? 0.4 × 7. थिंकिंग डिस्टेंस कहां तक का डिस्टेंस है? 2.4. वेरी गुड. तो 0.4 इंटू 7. देखें बेटा, थिंकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आप सिर्फ इस जगह का एरिया लेंगे और ये रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ है आपके पास 0.4 और दूसरी डायमेंशन इसकी 7 है. तो 0.4 इनटू 7 कितना हो गया? 2.8 मीटर्स. ठीक है, यूनिट लगाना जरूरी है. आंसर के साथ साथ यूनिट जरूर बताया करें. 2.8 मीटर्स आंसर आ गया. ठीक है, स्टेट हाउ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज फाउंड. सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस को माइनस करके ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? पता नहीं सर. स्टॉपिंग डिस्टेंस पता है? माइनस 0.4. देखो ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ है या नहीं है? स्पीड टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते. पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए? नहीं सर, ब्रेकिंग वाला. कहां से कहां तक का एरिया चाहिए? 0.4 2.4. तो क्या लिखेंगे? कैलकुलेट देखें क्या लिखा है. रेडियन निकालेंगे ना. कैलकुलेट एरिया बिलो लाइन 0.4, 7 to 2.4. बेटा एरिया निकालना है सरकार. y2 − y1 / x2 − x1 इज ग्रेडियंट. इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ताकि बच्चों को बताओ इस लाइन के नीचे का एरिया चाहिए, पूरा नहीं चाहिए. ये देखें जरा ग्राफ में 0.47 कहाँ है? देखें और 2.40 का है. तो इसके नीचे जितना एरिया है, विच मीन्स ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमको. नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट फोर. ऑन अनदर ओकेजन द सेम साइक्लिस्ट. सेम साइक्लिस्ट का मतलब सेम वही ग्राफ
नहीं, सेम साइक्लिस्ट का मतलब कुछ और है. सेम साइक्लिस्ट का क्या मतलब? मतलब पहले अयान था तो अब भी अयान है, ठीक है, लेकिन इसमें फिजिक्स का है. इसमें फिजिक्स ये है कि उसका रिएक्शन टाइम 2.4 ही है. जब वो कह रहा है ना सेम साइक्लिस्ट, तो इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि अब भी जो साइक्लिस्ट है वो अगर दोबारा भी बॉल देखेगा ना ब्रेक वो फौरन अप्लाई नहीं करेगा, वो 0.4 बाद ही, सेकंड्स बाद ही ब्रेक अप्लाई करेगा. सेम साइक्लिस्ट का मतलब ये ट्रैवल्स एंड फाइव मीटर्स पर सेकंड. नहीं, अगर नहीं भी लिखा होता तो हमारा मकसद ये था. अ बॉल रोल्स इन फ्रंट ऑफ द साइक्लिस्ट एट टाइम जीरो, ठीक है. द साइक्लिस्ट हैज द सेम रिएक्शन टाइम एंड द डीसेलरेशन. अब मुझे इस बात का मतलब पता है, सेम डीसेलरेशन का मतलब क्या है? सेम डीसेलरेशन मींस सेम रिड्यूस, सेम डीसेलरेशन मींस सेम ग्रेडियंट. सेम डीसेलरेशन मींस सेम ग्रेडियंट, ठीक है, बात समझ आ रही है. ऑन फिगर 12.2 ड्रॉ द न्यू स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द साइक्लिस्ट. फिगर 2.2 का है, देखें फिगर 2.2 का लिखा है. फिगर 2.2 12.2 का लिखा है, नया ग्राफ इसी में बनाना है. टाइम जीरो पर स्पीड कितनी है? 5. तो लिखें 0.5. अभी लिखना है, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने. ग्राफ बनाने से पहले हमेशा कोऑर्डिनेट्स लिखा करें. 0.5 विच मींस टाइम जीरो पे इसकी स्पीड 5 है. 0.4 पे कितनी है? 0.4 सर 7. 5 ही है, 5 है, 5 एमएस दिए, सही है. क्यों? उन्होंने उसमें दिया, उन्होंने बोला है सेम रिएक्शन टाइम. इसका मतलब है उसकी 0.4 सेकंड तक स्पीड वही रहेगी जिस तरह पहले नहीं चेंज हुई थी. अभी भी उसने चेंज नहीं करनी क्योंकि ब्रेक उसने अप्लाई नहीं किया उसका. अब क्या करना है? सेम डीसेलरेशन मतलब 2.4 लाइन दूसरी जो बनाओगे वो पहले वाली लाइन के 2.40 पैरेलल होगी. मिस्टर जाइन जो है वो बेहतरीन स्टूडेंट है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए. बनाए जरा ग्राफ बना ले जल्दी से. सेम डीसेलरेशन मीन सेम ग्रेडियंट. सेम ग्रेडियंट का मतलब है लाइंस विल बी पैरेलल. बेटा हमारा हमें टाइम दिया भी नहीं है बेटा, हमें लाइन पैरेलल बनानी. अच्छा, ग्राफ से नीचे ले जाओगे? हो जा रहा है ना? नहीं बेटा ऐसा नहीं कह सकते. ऐसे बन रहा है, हाँ बेहतरीन बन रहा है, खूबसूरत, हल्का सा लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन चले इग्नोर किया जा सकता है, चल जाए, चल कर देंगे. सही है. सेम डीसेलरेशन मींस सेम ग्रेडियंट. सेम ग्रेडियंट का मतलब है द लाइंस विल बी पैरेलल. तो जो लाइन आपको पैरेलल पहले से गिवन है उसके पैरेलल आपने लाइन बनानी है, क्योंकि आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा उसको स्लो डाउन होने में. ये आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको उसने बताया डीसेलरेशन सेम है. तो आप यहां पर पहुंचने के बाद पैरेलल लाइन बना दें. कब तक? जब तक एक्स एक्सिस नहीं आती, एक्स एक्सिस से आगे ना बढ़े. सही सर जी, बेहतरीन बनाया, ठीक है. यहां तक समझ आ गया सबको? जल्दी से बता दें जी. ओके जी, पार्ट फाइव पढ़ते हैं. पार्ट फाइव में भी थोड़ा सा एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा. जिनको नहीं समझ आए तो फिर मतलब उस वक्त इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझ आ रहा है वो समझने की कोशिश करें, ठीक है. फ्रिक्शन कम होगा. हाँ, फ्रिक्शन की बात करते हैं, लेकिन 3 मार्क्स हैं तो थोड़ा सा आइडिया एनर्जी का भी है. और यही वजह है जिसने पार्ट वन में इसने एनर्जी का क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, इसलिए पूछा था क्योंकि पार्ट फाइव में रिलेट करना. ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर व्हेन द साइक्लिस्ट स्टॉप्स ऑन अ वेट रोड, ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स वेट रोड पे कम. अब मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, जिन लोगों को नहीं आता हो वो रहने दे, जिनको आता हो बता दें. वर्क डन के बारे में बता आप लोगों को. वर्क डन डन की लिखें. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, अलग से लिख लें नीचे. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड. वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड and the distance covered by the object in the direction of force. Formula bhi nahi padega. Right hand is the
Work done is the product. Is the product of force applied at distance covered by object. Object. Work done is the product of force applied. And force upon area. Distance covered. Distance of by object in the direction of force. अब मिस्टर रयान बार बार कहे जा रहे हैं कि फॉर्मूला आ गया. आ गया ना, तो चलिए जल्दी से बताएं फॉर्मूला क्या है. ये देख रहे हैं आप लोग, आप लोग चेक कर रहे हैं ना कि मैंने इस पूरी दो लाइंस पढ़ने के बाद फॉर्मूला क्या आया, एफ अपॉन ए. ये क्या बात हुई, एरिया तो बात ही नहीं है अभी तक. एरिया की किसने बात की अभी तक? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो F into D. A कहां से आ रहा है? एरिया बना रहे. Work done is the product of force and the distance covered by the object in the direction of force. So what is work done? F into D. F into D. अब मेरी एक बात सुने जरा गौर से प्लीज, ठीक है? Work done और एनर्जी एक ही फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. रिपीट करें, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. वो कह रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर व्हेन द साइकिल स्टॉप्स ऑन अ वेट रोड. मतलब सेम साइकिल अगर वेट रोड पर रुके तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है. साइकिलिस्ट के पास एनर्जी कौन सी है रुकने से पहले? के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगी हीट में. Yes, है ना, ऐसे ही होता है ना ब्रेकिंग में. देखिए सेम एनर्जी है, 100 जूल्स लेट से एनर्जी है. 100 को मैं लिख सकता हूँ 50 इनटू 2. हंड्रेड हो जाएगा सर, है ना. अगर फोर्स कम हो जाए 50 की जगह 25 हो जाए, डिस्टेंस बढ़ेगा. अरे मेरा भाई बेहतरीन. 25 अगर फोर्स हो जाएगी, इफ द फोर्स इज रिड्यूस टू हाफ फॉर एग्जाम्पल, देन द डिस्टेंस विल बी doubled. Very good. So if the distance is 2 meters when the force is 50 newton, then for the force of 25 newton, the distance covered by the object will be 4 meters. इससे कुछ समझ आ रही है बात? देखो, work done is actually the work done by the frictional force in order to stop the object. If you are reducing the frictional force, the distance will be longer to do the same work. Of 100 joules. बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब हम इसको लिखते हैं और क्या लिखेंगे? हाँ, वर्क डन तो उतना ही करना है ना, क्योंकि साइकिल को तो रोकना है, पक्की बात है. सेम साइकिल को रोकना है लेकिन दो जगहों पर, एक वेट रोड और एक ड्राई रोड. सेम साइकिल मतलब सेम एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना है, बट ऑन अ ड्राई रोड इट विल कवर लेसर डिस्टेंस एज कंपेयर टू वेट रोड. और क्योंकि ड्राई रोड पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है, तो क्या लिखेंगे? तीन बातें होनी चाहिए. लेस फ्रिक्शन ऑन वेट रोड, दैट्स व्हाई द साइक्लिस्ट हैज सेम एनर्जी, विल कवर मोर डिस्टेंस टू बी स्टॉप्ड. और इसका मजीद डिस्कशन जब हम चैप्टर 6 करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, तो उस वक्त आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा कि एक्चुअली यहां पर जो हमने डिस्कशन किया है उसका क्या रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2. फिगर 2.1 shows a man pushing a heavy box with a force capital P. A frictional force capital F acts in a horizontal direction. The forces on the box are balanced and the box is stationary. State what is meant by balanced forces. Forward or backward? The resultant force zero. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है. ऐसे केस में हम कहते हैं कि फोर्सेस बैलेंस्ड है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. रिजल्टेंट फोर्स जीरो,
ये लिख लें और आप ये भी लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस इज इक्वल एट द डायरेक्शन इज ओपोजिट. व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. इसके अलावा आप लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस. क्या सर? द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस इज इक्वल टू एंड द डायरेक्शन इज मैग्नीट्यूड इक्वल होगा आपका वैसे फोर्स जीरो हो जाएगी. डायरेक्शन अपोजिट लिख लें. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इक्वल इज इक्वल डायरेक्शन अपोजिट एंड द डायरेक्शन इज ऑपोजिट. सर क्लास चल रही है ना? क्यों सर मार्च में चल रहा है? अच्छा थी क्लास होगी नहीं. ओके नेक्स्ट. द फ्रिक्शनल फोर्स इन फिगर 2.1 डज नॉट प्रोड्यूस एनी हीटिंग इफेक्ट. स्टेट व्हाट मस्ट हैपन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स टू प्रोड्यूस हीटिंग. द बॉक्स मस्ट मूव. हीट कब प्रोड्यूस होगी? जब बॉक्स मूव करेगा. वो क्या कह रहा है? बॉक्स ने मूव किया नहीं किया? नहीं किया. बॉक्स ने मूव ही नहीं किया तो फ्रिक्शनल फोर्स हीट कब प्रोड्यूस करती है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करे दूसरे सरफेस पे ना. स्लाइड कर ही नहीं रहा वो. आप दो हाथों को ऐसे रखें लेकिन अगर हाथों को रब करेंगे एक दूसरे पर तो हीट प्रोड्यूस होगी. सिर्फ हाथ पे हाथ रखने से हीट प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स हीट कब प्रोड्यूस करती है? जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करे किसी दूसरे सर्फेस पर. फिर फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करती है और हीट को प्रोड्यूस करती है. और फ्रिक्शन की डेफिनेशन इज नॉट स्लाइडिंग द बॉक्स. आप लिखेंगे इंक्रीज द फॉरवर्ड फोर्स पी सो दैट द बॉक्स मूव. So that the box starts moving. Next, apart from being stationary, describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced. बताया था मैंने आप लोगों को. When the forces are balanced. At rest. At rest तो stationary को ही कहते हैं. वो कह रहे हैं कि अगर forces balanced हों, तो या तो object rest में होता है, या ये लिखवाया है मैंने. टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव कर रहा होता है. नॉट टर्मिनल वेलोसिटी. कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी. वेरी गुड. मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. बेटा मैंने आपको बताया था अगर फोर्सेज बैलेंस्ड होती है ना तो बस दो ही केसेस हैं. या तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा जैसे हम, या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से. मतलब ना स्पीड चेंज करेगा ना डायरेक्शन चेंज. कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं लिख सकते आप लोग. सही है. कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नो चेंज इन स्पीड नो चेंज इन डायरेक्शन. When P is 100, P कौन सी force? F equal to ma sir. F equal to ma. P कौन सी force है forward? F कितनी है? 85. कितनी हो गई? Resultant force 50. 100 और 85 कितना हो गया? 185. इसको 15 होगा. हाँ. 15 sir. Resultant force 15 होगी ना sir? 100 plus 85 is 15. Reason क्या है? Opposite direction. Direction opposite है तो anti करेंगे इनको. Very good. तो 100 और 15 का सर 15 a is equal to f upon m. f is 15 divided by 25. आंसर is 0.6 meters per second square. f is equal to ma में f फोर्स नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स होता है. रिपीट करें मेरी बात. मैंने क्या बोला? f is equal to ma में f फोर्स नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स होता है. मतलब ना ये 100 है ना ये 85 है, उसका हमेशा वो होता है. ना 185 है, ये है 15, because the resultant force in this case is 15 newton. किस direction में? Forward या backward? Forward. Forward. क्योंकि आगे वाली force ज़्यादा है, पीछे वाली force कम है, इसलिए आगे जाएगा. ये तो बहुत आसान है. Accelerate करेगा, speed up होगा. Very good. जी, next question. जिन लोगों को dynamics आ जाता है, वो आगे देखो dynamics आपकी application AS में भी है और A2 में. ठीक है, तो इसलिए important topic. Figure 9.1 shows an astronaut in space near to space station orbit above the Earth.
The total mass of the astronaut and all his equipment is 160 kg. नहीं हल्का नहीं अच्छा हो जाता है स्पेस में का हो जाता है तो ये जो मास ये मास पर बात कर रहे हैं ना मास ज्यादा है अच्छा खासा मास एक नॉर्मल बंदे का मास 70-80-90 kg का होता है तो 160 है क्योंकि इक्विपमेंट्स का मास इंक्लूडेड है एस्ट्रोनॉट इज इनिशियली एट रेस्ट इनिशियली एट रेस्ट स्पीड जीरो है सही है रिलेटिव टू द स्पेस स्टेशन बट इज देन ही इज देन पुल्ड टुवर्ड्स द स्पेस स्टेशन बाय द रोप पहले क्या था फिर क्या हुआ हिज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द स्पेस स्टेशन इज 0.35 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर 1.2 सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 0.35 मीटर्स पर सेकंड स्पीड गेन होगी Calculate the resultant force that causes a mass of 160 kg to accelerate to 0.5. Very good. F is equal to? 56. Very good. Newton. 56 Newton. Part 1 kar chuke hum log. Part 2. Speed at which the astronaut is traveling after 1.2 seconds. Acceleration pata hai? Initial speed pata hai? Yani V minus V over. Very good. Acceleration pata hai? इनिशियल स्पीड पता है टाइम भी पता है ठीक है तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t a 0.35 v इज अननोन u इज 0.12 0.42 मीटर पर सेकंड चेक करें आंसर आ रहा है आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट b द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट इज कांस्टेंट देखिए मेरी बात समझे स्पीड टाइम ग्राफ है ना इसका ग्रेडिएंट एक्सेलरेशन होती है रिपीट करें मैंने क्या बोला आपको स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स यहां देखें जरा देखें मास कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं एफ एंड ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर सही कह सकते हैं ना इफ एम इज कांस्टेंट देन एफ एंड ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ठीक है अब मुझे एक बात बताएं यहां पर लिखा हुआ है बेटा द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट इज कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट मैं आपको फिर बता रहा हूं मेरी बात सुना है जरा गौर से एफ एंड ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर आपको समझ आना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बोल वो रहा है रिजल्टेंट फोर्स लेकिन हम सुन क्या रहे हैं एक्सेलरेशन बात समझ आ रही है आप लोगों को इसमें क्वेश्चन में लिखा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट इज कांस्टेंट लेकिन आपको दिमाग में क्या मैसेज मिलना चाहिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट कब तक 1.2 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा तो लाइन स्ट्रेट बनेगी सही है अब कहां तक स्ट्रेट लाइन बनानी है 1.2 तक ठीक है और 1.2 तक इसकी स्पीड कितनी आपको पता है 0.42 ठीक है उसके बाद क्या हुआ बट देन इट डिक्रीजेस टू जीरो क्या जीरो हो गया सही है देखिए यहां पर लाइन पढ़े पूरी ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मैंने आपको बोला रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट आप क्या पढ़ेंगे एक्सेलरेशन आगे पढ़े आगे बट देन इट डिक्रीजेस टू इट मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू जीरो तो ग्रेडियंट जीरो ग्रेडियंट जीरो ग्रेडियंट मतलब जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट स्पीड क्या करूंगा स्ट्रेट लाइन सवाल में लिखा है कि रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फिर लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस टू जीरो हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू जीरो जब ग्रेडियंट कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर ग्रेडियंट भी जीरो होगा ठीक है बाकी आप क्या कर सकते हैं इसमें वैल्यूज भी लिख सकते हैं यहां पर क्या वैल्यू आएगी 0.42 और इस जगह पर नीचे वैल्यू क्या आएगी यहां पर आनी चाहिए 1.2 ठीक है जो आप लाइन बनाएंगे इस जगह पर वो ऐसा आनी चाहिए कि वो 1.2 के करीब यहां पर हो तो यहां पर आप लिखते हैं 1.2 ये बात समझ आ गई
After 1.2 seconds, the resultant force is zero, which means acceleration is zero, which means there is no change in velocity, which means whatever the velocity was will be constant throughout the motion. Next part. Describe how the area, dono ka area nikal denge, square or triangle. Very good. Describe how, acha, describe karna hai, theek hai? How the distance moved by the astronaut during the first 3 seconds may be found using the speed time graph. देखिए 0 से लेकर 3 सेकंड तक का आपको एरिया एरिया निकालना एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा टिल 3 सेकंड्स 0.2 तो सिर्फ डिस्क्राइब करना है कैलकुलेट नहीं करना आप सिर्फ लिखकर बताएंगे कि क्या करना कैलकुलेट एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम 0 टू 3 सेकंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी द स्पेस स्टेशन इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड in a circular orbit around the earth as shown in figure 9.3 a force acts on the space station to keep it in its orbit on figure 9.3 draw an arrow to show the direction of force kya ye circular motion hai ya nahi hai yes sir force ki direction kahan hogi around earth sir sir left par hogi matlab udhar earth ke udhar towards earth देखिए सर्कुलर मोशन में टोटल तीन बातें याद रखनी है आप लोगों ने वो नहीं भूलनी टोटल तीन बातों में से पहली बात एक्सेलरेशन फोर्स दोनों फोर्स टुवर्ड्स एंड वेलोसिटी 90 डिग्री ठीक है सच्ची बात फोर्स टुवर्ड्स सेंटर वेलोसिटी चलो फोर्स के बाद बताते हैं एक्सेलरेशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर हो गया एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं एक ही बात हुई वेलोसिटी टेंजेंट टू सर्कल 90 डिग्री क्या ना देखिए सर्कुलर पाथ है अगर मैं इसके लिए वेलोसिटी के लिए एरो बनाऊंगा तो पता है कैसे बनेगा ये बनेगा टेंजेंट दिस इज अ टेंजेंट जी बेटा और किस तरह के टेंजेंट पड़ेगा एक को काट के चले जाएगा ठीक है एक ही तरह का टेंजेंट होता है और तो किसी ने नहीं पढ़ा तो टेंजेंट पे वेलोसिटी होती है और फोर्स और एक्सेलरेशन कहां होती है बेटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल तीसरी और आखिरी बात या आप इसको चौथी बात भी कह लें स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेट कर रहा है ठीक है वेरी गुड तो चलें पार्ट 1 का आंसर क्या है ऑन फिगर 9.3 ड्रॉ एन एरो तो एरो ड्रॉ करना है अगर किसी ने उल्टा एरो ड्रॉ किया ना मतलब अर्थ से स्पेस स्टेशन की तरफ तो मार्क नहीं मिलेगा स्पेस स्टेशन टू द अर्थ व्हिच मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फिर क्या एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस द फोर्स कौन सी फोर्स है ग्रेविटेशनल याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर एक्ट कर रही है स्पेस स्टेशन और कौन लगा रहा है अर्थ अर्थ तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन स्पेस स्टेशन स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी स्पीड नहीं एक्सेलरेशन नो चेंज इन वेलोसिटी जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिट टाइम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट अब से वेट कर रहा हूं आंसर स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द ऑर्बिट टू द वेलोसिटी ऑफ द स्पेस स्टेशन चेंज हो रही है यस डायरेक्शन वो कह रहे हैं बताएं स्टेट करें और एक्सप्लेन करें नहीं होगी वेलोसिटी को क्या हो रहा है कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट है चेंज हो रही है velocity change kyunki velocity vector hai sahi hai to kya likhenge direction velocity changes because the direction of the space station changes kyunki wo circular orbit mein move kar rahi hai to uska matlab hai direction change hogi velocity to vector quantity hai kaisa diya change due to change in direction changes due to change in direction likhenge aap log kinetic energy अच्छा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फिर आप लोग जवाब देंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें हाफ हाफ पता है ना 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर m वी स्क्वायर अच्छा इसमें जो v है ना v वो क्या है वेलोसिटी वो वेलोसिटी नहीं है v स्क्वायर वो स्पीड है स्पीड सही है ये बात दिमाग में रखें हाफ एम वी स्क्वायर में v जो है ना ये वेलोसिटी नहीं है ये स्पीड है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी सर अगर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी मैंने फिर बताया आपको v वेलोसिटी नहीं है फिर से बता रहा हूं बार-बार बता रहा हूं बेटा v वेलोसिटी नहीं है v स्पीड है अब बताएं
स्पीड विल बी काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट वजह ना मास चेंज हो रहा है एक ही चीज ना स्पीड चेंज हो रही है कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी एक ही चीज है ठीक है तो हम लिखेंगे रिमेन्स कांस्टेंट क्या लिख रहे हो रिमेन्स कांस्टेंट ऐसी मत सोचो ड्यू टू कांस्टेंट स्पीड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 सेकंड्स द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म ग्रेडियंट Zero. Constant. Constant. सही रिपीट कर रहा हूँ ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 सेकंड्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मतलब ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट एंड द कार रीचेज द स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इनिशियल स्पीड कितनी है ठीक है रेस्ट लिखा हुआ yes. है फिर 25 लिखा हुआ है लिखा तो है 14 लिखा हुआ है फॉर्मूला बताएं A is equal to V minus U upon U upon T V is 25, US 0, 14. Minus 0. Answer is? 3.8. Initial 0, final 25. So final minus initial upon time taken hota hai, acceleration ka formula. 25 minus 0 divided by 14. Part 2. After the first 14 seconds. 14 seconds ki kahani usne aapko suna diya, theek hai? The speed of the car continues to increase. But the acceleration decreases. वेरी गुड एक्सेलरेशन डिक्रीजेस का मतलब ग्रेडियंट कम हो रहा है वेरी गुड फ्रॉम 70 टू 80 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट द कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 55 मीटर्स पर सेकंड अब मुझे जल्दी से बताएं टाइम जीरो पे स्पीड कितनी है कोऑर्डिनेट्स लिखें जीरो कॉमा जीरो ये बात उसने बता दी शुरू में फिर 14 कॉमा 25 सही है फिर 70, 55 और 80, 55 क्योंकि उसने कहा था एक्सेलरेशन Decreases. फिर कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब जीरो एक्सेलरेशन इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी एट अ लेटर टाइम द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एट अ लेटर टाइम द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स टू स्टॉप ही इज वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड स्लोज डाउन इन हिज सीट अ बैग ऑन द सीट नेक्स्ट टू हिम स्लाइड्स फॉरवर्ड्स मतलब जो पैसेंजर सीट पे एक बैग रखा हुआ था ब्रेक अप्लाई करने पर वो गिर गया आगे ड्राइवर नहीं गया ड्राइवर वहीं का वहीं है अक्रॉस द सीट टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कार यूजिंग आइडियाज अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग एक्सप्लेन व्हाई द ड्राइवर स्लोस डाउन बट द बैक स्लाइड्स फॉरवर्ड्स सीट बेल्ट जो थ्रस्ट फोर्स और जो ब्रेक फोर्स थी वो बताएं बताएं बोले आदेश सर जो थ्रस्ट फोर्स थी और जो क्या बोलते हैं ब्रेक फोर्स थी वो मतलब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा थी तो इसकी वजह से बैग स्लाइड फॉरवर्ड कर गया देखो फोर्स तो सीट बेल्ट पे दूसरी ब्रेक वाली कैंसिल कर दी क्या वो अब स्पीड देखो सीट बेल्ट की वाली फोर्स का नाम क्या है पता रिजल्टेंट फोर्स वो टेंशन फोर्स है टेंशन सीट बेल्ट वाली फोर्स का नाम क्या है टेंशन फोर्स है तो टेंशन फोर्स और किस डायरेक्शन में होगी टेंशन फोर्स आगे की पीछे की माता के बोल बोल खिड़की से बाहर निकल जाओ ड्राइवर को बाहर फेंक दो ठीक है सीट बेल्ट टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है बैकवर्ड्स सही है और फॉरवर्ड फोर्स है थ्रस्ट फोर्स जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड क्रिएट हुई प्लस टेंशन फोर्स भी मिली किसको ड्राइवर ये दो फोर्सेस की वजह से ड्राइवर पीछे आ गया रुक गया अपनी जगह पर रहा लेकिन बैग को सिर्फ एक फोर्स मिल रही है और वो है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बैग एंड द सीट ठीक है फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बैग एंड द सीट तो इसलिए बैग कहां चला जाएगा पीछे आगे चला जाएगा या नहीं रुक सकेगा क्योंकि उसकी फॉरवर्ड फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा है और इस चीज को कहते हैं इनर्शिया क्या कहते हैं इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करने की कोशिश करता है मतलब अगर आप उसको रोकेंगे भी ना तो फौरन नहीं रुकेगा अनलेस कि आप उसको उसकी इतनी फोर्स दे दें कि वो उसकी स्पीड को जीरो कर दे विच मींस उसकी स्पीड कम तो हो जाएगी बैक की
लेकिन रोक नहीं सकेगी उसको, ये बात समझ आ रही है आपको? तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिख देखें और लिख लें आंसर को, as the brakes are applied, the tension force due to seat belt acts on the driver's body to slow him down, but the friction force between bag and seat is not enough. So it stops the bag moving forward because of inertia. नया टॉपिक स्टार्ट। फिर टेंशन फोर्स क्या होता है? कौन सी फोर्स? टेंशन। टेंशन फोर्स बेटा किसी भी कॉर्ड, रोप, केबल, वायर में रिएक्शन फोर्स टेंशन फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बकेट ऑफ वाटर को वेल से जो है वो निकाल रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं वेल से, कुएं से, ठीक है, और आप रोप के थ्रू अगर बकेट को खींच रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स जो है ना बकेट की वो वेट है, लेकिन अपवर्ड फोर्स जो आप लगा रहे हैं रोप के थ्रू वो टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स किसी भी वायर, केबल, कॉर्ड, रोप में हो सकती है, लेकिन रिएक्शन फोर्स होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर बताएं जी। फोर्स बी, फोर्स सी, फोर्स ए, फोर्स डी, नाम बताएं। विच वन इज फोर्स ए? फोर्स ए एयर रेजिस्टेंस है। हाँ, गाड़ी गिराई हमने वैसे। सर कौन सा और नॉर्मल? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सर। फोर्स ए इज नॉर्मल फोर्स। ओके, फोर्स सी? जी सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम वेट कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सी, ठीक है। फोर्स बी? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। फोर्स डी? एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या आप उसको बैकवर्ड फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उस पर जरा एरो बना लें जल्दी जल्दी। पार्ट बी, द टेबल शोज द साइजेस ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार एट वन टाइम। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी, कैलकुलेट द मास ऑफ कार। मास निकालने के लिए वेट पता होना चाहिए। वेट कौन सा है इनमें से? देखें पीछे, देखें कि वेट कौन सा था। फोर्स सी कितना है वेट? 8000 का वेट है। तो m is equal to w upon g divided by 10। 8000 divided by 10 answer is 800 kg। सर अगर पहला पार्ट गलत हो जाता तो ये हो ही नहीं पाता। फिर जो आपने पहले पार्ट में आंसर लिखा होगा ना वो वहां मार्क डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ एरर कैरिड फॉरवर्ड यूज होगा। मतलब अगर वहां पर आपने फोर्स बी को वेट कहा था और आप फोर्स बी से मास कैलकुलेट करते हैं तो आपको मार्क मिलेगा, वहां मार्क कट जाएगा। ईसीएफ कहते हैं इसे। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार, देखें फोर्स ए कितनी है? 8000 सर। फोर्स सी कितनी है? 8000। तो ये तो कैंसिल हो गई, ए और सी कैंसिल हो गए, इनका कोई इफेक्ट नहीं है। फोर्स बी कितनी है? सर ये फ्रंट में 200 फोर्स जाएगी। 1000। फोर्स डी 600। सर 400। फोर्स बी 1000, फोर्स डी 600। सर वो माइनस हो जाएगा। जी जी 400 हो जाएगा। क्यों 400 हो जाएगा? क्योंकि फोर्सेस हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ओपोजिट डायरेक्शन है, ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो माइनस होंगी क्योंकि डायरेक्शन ओपोजिट है। आगे जाएगी ना गाड़ी? गाड़ी आगे जाएगी कितनी फोर्स से? 400 फोर्स से गाड़ी आगे जाएगी, ना 1000 से, ना 600। 400 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। लिख लें आप लोग जिनको नहीं पता था, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ, सम पता है ना किसे कहते हैं, SUM वाला सम लिखना है। Sum of all the forces is called resultant force. Acceleration, F is equal to MA. A is equal to F upon M. इसमें जो F होता है ये force नहीं होती, इसको resultant force कहते हैं। Resultant force. कितनी है resultant force? 400. 400. Mass कितना है? 800 kg. आंसर आया? 0.5. 0.5 meters per second square answer आ गया आप लोगों का part C। सर इसका v minus u upon t से करेंगे answer आ जाएगा। At another time the car is traveling at speed u,
It then accelerates for 5 seconds with an initial acceleration of 1.6 meters per second square and reaches a speed of 20 meters per second. Calculate the value of u. Acceleration ka formula hota hai v minus u upon t. A kitna hai yahan par? A hai 5. Nahi nahi, a 1.6 sorry. V hai 20, u unknown hai, t aapke paas 5 seconds. 5 into 1.6 hota hai 8. Yes. 8 is equal to 20 minus u. So, u ho jayega 12. 20 minus u is equal to 8. U udhar chale jayega, 8 udhar aa jayega. 12 ho jayega. So 20 minus 8 is equal to u. U is equal to 12 meters per second. A parachutist is falling through the air at terminal velocity. Terminal velocity kise kehte hain? Definition likhe hai pehle niche jaldi se. Maximum velocity. Maximum velocity of a free falling object when its weight is equal to air resistance and there is no resultant force and no acceleration. ठीक है, terminal velocity का मतलब वो maximum velocity object की जब उसका weight और air resistance बराबर हो जाए और उसका उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो और उस पर एक्सेलरेशन जीरो हो. विच स्टेटमेंट अबाउट द पैराशूटिस्ट इज करेक्ट? अगर एक पैराशूट टर्मिनल वेलोसिटी पर है तो मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा. ऑप्शन ए पढ़ते हैं. एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट इज इक्वल टू जीरो. क्या तमाम फोर्सेस जीरो होंगी? नहीं. एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूट इज इक्वल टू जीरो. फिर से बी भी गलत हो गया. द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूट इज इक्वल टू जीरो एंड इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. लिखवाया मैंने आपको सही. और डी में क्या गलत है? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूट इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू. मैंने लिखा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम. सही है ना? सी आंसर. सी आंसर था इस वाले का. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे. अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब. इवैक्यूएटेड मतलब एयर रेजिस्टेंस है या नहीं है? नहीं. वैक्यूम है, नो एयर रेजिस्टेंस. मैं आंसर बताऊं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अ सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स इज टेकन एट इक्वल टाइम इंटरवल्स. क्या हुआ? तस्वीरें ली हैं बॉल की हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद. लेट्स से हर 0.1 सेकंड के बाद तस्वीर ली है उसकी. फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज अनदर बॉल ऑफ द सेम साइज बट ट्वाइस द मास इज आल्सो ड्रॉप्ड इन द सेम इवैक्यूएटेड ट्यूब एंड फोटोग्राफ. एक दफा पहले जो है ना वो कम मास वाले ऑब्जेक्ट की तस्वीर ली थी, अब ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट की तस्वीर ली है. वो कह रहा है पहले जब आपने तस्वीर ली थी ना तो ये थी फर्स्ट बॉल वाली. अब बताएं, अब जो ज्यादा मास वाली बॉल होगी उसकी तस्वीरें भी वैसे ही आएंगी या वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही होगी सेम टाइम? देखें बेटा, दो बातें. एयर रेजिस्टेंस हो तो क्या होता है और एयर रेजिस्टेंस ना हो. सर, एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो गया. एयर रेजिस्टेंस में मास जो होता है उसको टाइम नहीं मिलता है और एयर रेजिस्टेंस के बगैर मास को थोड़ा टाइम मिलता है गिरने में. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने. एक है, दो ऑब्जेक्ट्स को आप ड्रॉप कर रहे हैं. अब केस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब इन वैक्यूम और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये दो केसेस हैं. अगर आप एक पत्थर को एक पेपर के साथ फेंकते हैं हवा में, मतलब जिस वक्त हम नॉर्मली यहाँ पर एक क्लासरूम में मैं दोनों ऑब्जेक्ट को फेंक देता हूँ, पहले कौन जमीन को पहुंचेगा? पत्थर पहुंच जाएगा. और पेपर क्या होगा? पेपर पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा जिसकी वजह से वो देर में जाकर ड्रॉप होगा. ड्रॉप वो भी होगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इसी पत्थर और पेपर को वैक्यूम में ड्रॉप करें ना अगर, तो दोनों एक साथ जमीन को हिट करते हैं. ये बात समझ आ रही है? नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आपने सर पता नहीं कैसी बात की है. नहीं ना, इसके लिए हमने जब कोर्स पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तो हमने वीडियो देखी थी. मैं अभी नहीं प्ले कर रहा हूँ, लेक्चर्स में आपको यहाँ पे दोबारा बता दूंगा. उसमें फेंका था एक हैवी स्टील बॉल और फेदर, दो चीजें ड्रॉप की थी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. प्रेजेंस ऑफ एयर तो ऑफकोर्स स्टील बॉल जाके पहले टकरा जाएगी, लेकिन अगर आप इवैक्यूएट कर दें उसको पूरे को, तो फिर क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर दोनों ही एक साथ ड्रॉप करते हैं, मतलब चाहे हाथी हो या उसके साथ आप एक छोटी सी चींटी को फेंक दें. तो बात यह है कि वो दोनों एक साथ जमीन को स्ट्राइक करेंगे अगर इवैक्यूएटेड हो तो. अब मुझे बताएं, जो फर्स्ट बॉल के लिए पिक्चर्स ली हैं आपने, क्या सेम पिक्चर्स ली हैं? क्योंकि ट्यूब इवैक्यूएटेड है. तो आंसर क्या है? बी. लेकिन अगर इवैक्यूएटेड ना होती फिर क्या होता? फिर सी होता. देखें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, मतलब ये वाली जो बॉल है ना जो हैवी है ये जल्दी पहुंच जाएगी. सही है, मतलब इसमें देखो ये जीरो के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे है ना.
अब क्योंकि ये हैवी बॉल है तो वो जीरो के बाद 0.1 ज्यादा डिस्टेंस, 0.2 और ज्यादा डिस्टेंस, 0.3 और ज्यादा डिस्टेंस, अगर इवैक्यूएटेड ना होती तो फिर आंसर सी होता, अभी आंसर बी है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट लिख लें नीचे जल्दी से जो मैंने नोट्स में लिखवाई भी है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय मास इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो जिसका मास ज्यादा होगा वो तो आपको नॉर्मली पता है कि ऑफ कोर्स वो पहले ही स्ट्राइक करेगा, मतलब उसकी कंपैरेटिवली वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसका उस पर इफेक्ट एयर रेजिस्टेंस का काम होगा। ये क्वेश्चन पढ़ें, द ग्राफ शोज हाउ वेट वेरीज विद मास ऑन प्लैनेट पी एंड ऑन प्लैनेट क्यू, एन ऑब्जेक्ट वेज 400 न्यूटन ऑन प्लैनेट पी, द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू प्लैनेट क्यू, व्हिच रो इज करेक्ट। अच्छा चलिए पहले एक बार एलिमिनेट कर लेते हैं चार ऑप्शन में से, ना ऑप्शन सी हो सकता है ना ऑप्शन डी हो सकता है, वजह यह है कि आप हाँ वजह वाला 40 पे, हाँ देखिए मेरी बात सुने, उसमें लिखा हुआ है प्लैनेट पी पर उसका वेट कितना है 40, प्लैनेट पी पर वेट दिया हुआ है, दिया हुआ है ना देखो 400 दिया हुआ है ना, उस पर मास कितना है 40, मास का भी चेंज नहीं होता, मास चाहे प्लैनेट पी पर हो या प्लैनेट क्यू पर हो, प्लैनेट पी पर उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 40 है लिखा हुआ है, देखें ग्राफ में पढ़ें, ऑन प्लैनेट पी व्हेन इट्स वेट इज 400 न्यूटन इट्स मास इज 40 किलोग्राम, अगर मास 40 है ना, अब चाहे वो प्लैनेट सी भी बोले या प्लैनेट डी बोले प्लैनेट आर बोले, मास चेंज ना करना, तो इसका मतलब है आंसर सी और डी नहीं हो सकता, अब या तो आंसर ए है या आंसर बी है, मास उसका बी होगा 40, 40 पर प्लैनेट क्यू 400, तो आंसर क्या हो गया ए। The diagram shows how the speed of a falling object changes with time. This too describes the motion of the object between x and y and between y and z. C. X and y accelerating है, y and z constant. Sir, C. Mr. Kumar, please review your answer. Decelerating का मतलब पता आप लोग? B. Speed का कम होना, बी कहीं कहीं पर भी कम नहीं हो रही, तो आंसर सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, अब या तो आंसर ए है या आंसर बी है, और मिस्टर हैदर ने बहुत अच्छा बताया आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, एक्स से वाई तक एक्सेलरेटिंग है, सही है क्योंकि ग्रेडियंट है वहां पर, जीरो नहीं है, एक्स और वाई के बिटवीन ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है लेकिन ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं है और ना ही ग्रेडियंट जीरो है, तो x to y accelerating है, y to z zero acceleration, but constant speed. Rest नहीं कह सकते, rest नहीं कह सकते क्योंकि speed zero नहीं है. Zero पे rest होता है. Speed zero हो तो rest होता है. तुम्हारी speed कितनी है? Zero. Zero. इसकी speed zero नजर आ रही है, देखो y पर speed की value है कोई, zero नहीं है. लेकिन speed change नहीं हो रही, इसका मतलब है constant speed. Speed है लेकिन change नहीं हो रही. इसलिए कहते हैं acceleration zero है. स्पीड अगर जीरो तो रेस्ट होता है, फिर रेस्ट नहीं होता, उसको कांस्टेंट कह सकते हैं लेकिन एक्चुअली उस साउंड ऐसा करता है कि जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब मैं तुम्हें कह सकता हूँ इस वक्त तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, ये कोई गलत बात थोड़ी, तुम्हारी स्पीड जीरो है और जीरो ही है, लेकिन ये साउंड ऐसा करता है जब आप कहते हैं ना एन ऑब्जेक्ट इज एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो दिमाग को मैसेज क्या मिल रहा है कि वो मूव कर रहा है, तो इसलिए ये प्रेफर नहीं किया जाता कि आप लिखें कांस्टेंट स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है तो नहीं लिखते, लेकिन गलत नहीं है अगर लॉजिकली देखा, ये अगर लिखूं तो फिर गलत होगा आंसर, फिर गलत हो जाएगा ना क्योंकि आप कह रहे हैं एट रेस्ट, एट रेस्ट का मतलब है स्पीड जीरो और आप खुद देख रहे हैं कि स्पीड जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद वेरीज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड्स, हाउ फार, क्या चीज पूछी है इसने, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड अबाउट टाइम अबाउट टाइम एरिया निकालते हैं, रिपीट करें, डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालते हैं, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है और आपने डिस्टेंस निकालना है एरिया कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से क्या बना हुआ है, ये रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल है और इसको मिलाकर आप ट्रेपीजियम कह सकते हैं, अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला नहीं आता तो आप ट्राइंगल का अलग रेक्टेंगल का अलग और फिर एड कर लें, ट्राइंगल का कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 50-25 हो जाएगा, फिर 5 × 10 50 50 प्लस 25 75
देखें ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ बेस हाइट, बेस 5, हाइट 10, 25 आंसर आ गया, सही है। अब ये रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल में देखें बेस है 5 से लेकर 10 तक, मतलब 5 है और हाइट है 10, तो कितना हो गया 5 10 जा 50, 50 प्लस 25 इज 75। नेक्स्ट लेंथ ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ें, लेंथ ऑफ ईच एरो रिप्रेजेंट द साइज ऑफ ईच सोर्स, पीछे वाली एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, सर सी लग रहा है, सी भी कार्ड सी लग रहा है, ए हो सकता है, सर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन में डिफरेंस है उन दोनों के फोर्सेस में, ए मैं आपको बता दूं क्यों, कब होगा ए आंसर, तब होता जब ये दोनों फोर्सेस सेम होती, रिपीट करो, ए तब होता जब दोनों फोर्सेस सेम होती, लेकिन ड्राइविंग फोर्स कम है और पीछे वाली फोर्स ज्यादा है, मतलब अगर आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है लेकिन आप ब्रेक पर भी पैर दबाए हो तो हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो अब कम हो क्योंकि आपकी बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है फॉरवर्ड कम है, सही है। और मैं सिंपल लेके बात करूं, अगर ये 400 है, लेट्स से ड्राइविंग फोर्स 400 है और फ्रिक्शनल फोर्स 600 है, तो रिजल्टेंट फोर्स है 200, किस तरफ, पीछे की तरफ, और गाड़ी कहां आ रही है, आगे। अगर रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट हो तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है, रिपीट करें, अगर रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट साइड पर हो तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है, डिसेलेरेट होता है, ठीक है। तो ए तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, कार मूव्स बैकवर्ड्स, बी भी नहीं हो सकता, नहीं, ड्राइविंग फोर्स है, सही है, तो कार मूव्स बैकवर्ड्स भी नहीं हो सकता, कार स्लोस डाउन, सही है, ये ऑप्शन हो सकता है, कार फॉरवर्ड स्पीड इंक्रीजेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता, आंसर इज सी, सर सी, यस सर सी, आंसर है डी, सही है, किसी ने अभी तक डी नहीं बोला था, आंसर है डी, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं उसका रीजन भी देना है, देखिए लिखा हुआ है, अच्छा सबसे पहले कभी भी ग्राफ आएगा ना, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, कभी भी ग्राफ आएगा आप सबसे पहले पढ़ेंगे y पर क्या है और x पर क्या है, सबसे पहले कुछ भी सोचने से पहले आप देखें कि आप कौन से ग्राफ को रीड कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, सही है, ये ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं, तो एक ही फोर्स है, कौन सी, डाउनवर्ड्स वेट कांस्टेंट है, अगर वेट कांस्टेंट है तो a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम में एफ वेट ही होगा, तो a कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ना एफ चेंज हो रहा है ना एम चेंज हो रहा है, a कांस्टेंट आएगा, a कांस्टेंट d में, b में a कम हो रहा है, a में इंक्रीज हो रहा है, c में भी इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अगर 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है, 15 है तो 15 है, कांस्टेंट है, तो अब इसमें क्या लिखना चाहिए हमें स्टेटमेंट, हमने क्यों आंसर डी सेलेक्ट किया, If there is no air resistance, the acceleration will be constant. Circular motion में मैंने आपको बताया था तीन बातें दिमाग में रखनी है, क्या क्या थी, So what is circular motion? 360. Movement of an object in a circular path is called circular motion. अब इसमें तीन बातें याद रखनी है आपने, कभी भी circular motion का question आएगा ना, तो तीन बातें दिमाग में रखनी है, resultant force towards center of circle, repeat, resultant force towards the center of the circle, acceleration towards center of circle, acceleration towards center. क्योंकि force और acceleration हमेशा same direction में होते हैं, resultant force towards center, acceleration towards center, velocity tangent to circle, सही है, और आखिरी बात, object की speed constant है, लेकिन फिर भी वो object accelerate कर रहा है, reason क्या है इसका, direction change हो रही है, velocity increase हो रही है, change हो रही है, velocity change हो रही है, जी, displacement है ना इसलिए, displacement है इसलिए, change in direction because velocity is a vector quantity. So, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा होता है नॉट बिकॉज ऑफ स्पीड बट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन. अब क्वेश्चन पढ़े और आंसर बताएं. Which statement is correct? The resultant force on the satellite is zero. Part B. The resultant force on the satellite is in the direction B. क्यों? You said Very good. The resultant force on the satellite is direction C. नहीं. B.
The resultant force on the side drive is direction D. Direction D. Direction D क्यों? Towards circle. Very good. Towards the center of circle है. अगर मैं आपसे बोलूँ, in which direction is the velocity? C. Tangent. In which direction is the acceleration? D. Why is this satellite accelerating when its speed is constant? Direction change हो रही है. Sir, direction change हो रही है. Very good. Because velocity is a vector quantity. चार बातें दिमाग में रहेंगी तो कभी question गलत नहीं. जी, question read करें, answer बताएं. A answer है. Sir, downward force ये होगी या ये होगी? किस तरफ जा रहा है? नीचे. तो ये नीचे वाली होगी. Downward force change होनी चाहिए? नहीं. तो तुम क्यों कह रहे हो ये? मैं ही कह रहा हूँ ना, answer ये आएगा. Downward force का नाम बताओ. पहले बताओ, डाउनवर्ड फोर्स चेंज होगी नहीं होगी? तो ए और बी नहीं हो सकते, समझ आ गई? अब फिर से सोचो अपने आंसर. डी है सर. डी है. डी हो सकता है. सी है. आंसर इज सी. अब लाइन बताएंगे आंसर डी क्यों नहीं है. अच्छा, क्यों नहीं है? सी तो है. अब ए और बी तो मैंने आपको खुद बता दिया ना, नहीं होंगे. आप बताएं सी क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा. चलिए अब मेरी बात समझे जरा इसको, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 1000 है. सही है, सुनेंगे हमजा? एक ऑब्जेक्ट, उसका वेट 1000 है. थ्रू आउट द फॉल उसका 1000 ही रहेगा वेट. सही है ना? लेकिन एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है स्पीड के बढ़ने से. लेट से एयर रेजिस्टेंस 100 है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 900. देखो मेरी बात सुनो, वेट कितना है? 1000. एयर रेजिस्टेंस कितनी है? 100. रिजल्टेंट फोर्स 900. क्यों? नीचे फोर्स 1000, एक दूसरे पर माइनस 900. स्पीड बढ़ रही है, एयर रेजिस्टेंस और बढ़ेगी. 100 से कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी. रिजल्टेंट फोर्स 800. वो 200 से 300 हो जाएगी. रिजल्टेंट फोर्स 700. होता ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. स्पीड के बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस कम होती है, बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाती है. एक वक्त आता है जब एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाते हैं. 1000 हो गए. रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? जीरो. रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो. एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से टुवर्ड्स अर्थ पहुंचता है, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. और फिर पढ़ो वो जो पीछे लिखवाया था मैंने, पढ़ लिया ना, वही तो पढ़ के. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट when its weight and air resistance are equal, the resultant force is zero. Acceleration is zero. सही है? अब बताएं आंसर इसका क्या है? सी. आंसर है सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है. इट्स इक्वल टू एम ए सर, फोर्स 40 हो जाएगी, 25 मास. एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस u अपॉन t, लेकिन यहां v और u नहीं दिए हुए ना, t दिया हुआ है, तो वो फार्मूला नहीं लगेगा. कौन सा फार्मूला होता है? वो होता है f अपॉन m. m a F is equal to MA. तो A is equal to F upon M. Question पढ़े जरा. A man pulls a sledge. Sledge का mass कितना है? 25. Horizontal force कितनी है? 60. Frictional force कितनी है? 20. 40. मुझे बताओ किस direction में 60 newton है? 20 newton भी उसी direction में होगी? नहीं. क्यों? Friction कभी भी direction of motion में नहीं होगी. Opposite to the motion. 60 है. ये 20 है. तो रिजल्टेंट कितना है? 40. मास कितना है? A is equal to F upon M. 40 upon 25. कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए. 1.6. On the Earth's surface, the gravitational field strength is 10 newton per kg. On the surface of Mars, the gravitational field strength is 3.8 newton per kg. A robot vehicle has a weight of 2000 newton on Earth. What is the weight of the robot vehicle on Mars? Solve करें, check करते हैं, चलें, ठीक है? कुछ B answer बोल रहे हैं आप लोग? जी सर. चलें आप check करते हैं. Weight क्या दिया हुआ है इसका? हैदर आपने जवाब देना है साथ साथ. Weight कितना दिया हुआ है?
2000 वेट कितना दिया है 2000 कहां पर जो बर्ड अर्थ अर्थ पर लिखो w is equal to mg m को सब्जेक्ट बनाओ w upon g आएगा सही क्या बना 2000 upon 10 200 आ गया ये क्या है मास में पता है मास सेम ही रहता है ये मास है और मास चेंज नहीं होता सही है मास निकाल लिया कहां पर है मास ये मास अर्थ पर है अब मुझे बताओ मार्स पर इसका कितना मास होगा सेम डिवाइड करेंगे 200 मतलब सेम ही रहेगा सर मार्स पर इसका मास कितना होगा 200 ही होगा अभी मुझे मार्स पर वेट निकालना है दोबारा से फॉर्मूला लगाओ w = mg मास पे वेट निकालना है हां अब मास कितना है इसका 200 200 जी कितना है अननोन 3.8 तो 200 * 3.8 क्या आंसर आया 760 आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन अ ड्रेन ऑफ मास 2,40,000 kg is traveling at a speed of 60 meters per second. The brakes are applied and it decelerates for 10 minutes. को मैं क्या पढ़ूं? 600 seconds. सही है. कभी भी अगर आपको time दिया हो, लेकिन SI unit में ना हो, अब पहले उसको SI unit में convert कर लें. तो उसको मैं 10 minute नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको 600 second पढ़ूंगा. Until it comes to rest. Initial speed कितनी है इसकी? 60. Initial speed कितनी है इसकी? 60. फाइनल स्पीड कितनी है जीरो रेस्ट लिखा हुआ है दोबारा से इनिशियल स्पीड कितनी है 60 फाइनल स्पीड कितनी है जीरो रेस्ट टाइम कितना है 10 मिनट चलें एक्सेलरेशन निकालें a is equal to v minus u upon t v कितना है जीरो v मतलब फाइनल सही है U कितना है? 10 minutes. 60. Divided by 600. 60 upon 600 क्या आंसर आएगा? 0.1. 0.1 minus में ठीक है? ठीक है. F is equal to ma. ma. मास दिया हुआ है? 240,000. इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो खत्म हो जाएगा उसका. तो कितना हो जाएगा 24,000 हो गया आंसर इज ए ओके नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है ऊपर फिक्स्ड फिक्स्ड का मतलब क्या है रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स सेम ही रहेगी जीरो रिजल्टेंट फोर्स जीरो जीरो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है बैलेंस बैलेंस का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब है जितनी फोर्स नीचे है उतनी फोर्स ऊपर होगी जितनी फोर्स आगे है उतनी फोर्स पीछे होगी चलें बताएं नीचे कितनी फोर्स है 80 100 100 सही है तो ऊपर कितनी फोर्स होनी चाहिए 100 तो आंसर क्या आ रहा है सर डी आ रहा है डी आंसर है ठीक है डेल्टा चले जी ये मजे का एक और क्वेश्चन आ गया और मुझे सबसे पहले बताएंगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वेरी गुड डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम ये लिखा हुआ है ओवरऑल डेंसिटी मतलब एवरेज डेंसिटी एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम रिपीट करें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन एवरेज डेंसिटी का क्या होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम देखिए बेटा ये जो एक साइड ग्रे हुई हुई और एक साइड व्हाइट है जो साइड ग्रे है उसकी डेंसिटी दी हुई है यस और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है जी कितना वॉल्यूम है वो निकालना पड़ेगा हां कैसे 1 lbh ब्रैकेट टू ब्रैकेट टू वॉल्यूम इसका 1 × 1 × 1 1 ही होगा 1 ही होगा ठीक है 1 है कैंसिल पॉइंट लगाओ तो कितना हो गया बेटा 1 डेंसिटी मास निकालें इसका डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो इसका मास कितना आ रहा है ग्रे वाली साइड 6 ग्राम आ गया इसका मास सही है 6 ग्राम जो व्हाइट वाली साइड है उसकी डेंसिटी गिवन है 9 अब इसका वॉल्यूम कितना है 2 × 1 × 1
दूसरी वाली साइड गिवन है ना, तो वहीं से यूज करेंगे, ये टू है बाकी वन, तो ये टू हो गया, तो मास कितना हो गया 18, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, और टोटल वॉल्यूम कितना है 3, 9 इंटू 2. अब तुम मुझे एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, इधर देखो बेहतर ऊपर, ये 2 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, 9 इंटू 2 18 ग्राम इज द मास, 18 प्लस 6 टोटल मास 24 ग्राम, इसका वॉल्यूम 1 था, इसका वॉल्यूम 2 है, टोटल वॉल्यूम 3, तो 24 अपॉन 3 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया. अच्छा कुछ बच्चे बताए क्या करते हैं, वो कहते हैं ये 9 है ये 6 है, कितना हो गया 15, एवरेज निकाला 7.5. ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास निकालें टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें. ठीक है जी, यहाँ पर खत्म हो गया ये.